सो अगेन सभी आईटीआई साथियों के लिए जेसीबी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से नई कैंपस प्लस में रिक्रूटमेंट आ चुकी है। तो जितने भी साथी जितने भी फ्रेशर कैंडिडेट हैं और एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं दोनों के लिए भर्ती होने वाली है। फ्रेशर जो होंगे जिन्होंने अभी सिर्फ आईटीआई कंप्लीट करा है, कहीं पर अपने काम नहीं किया है, तो उनकी सैलरी थोड़ी कम देखने के लिए मिलेगी। बाकी बात जिन्होंने किसी भी ऑटोमोबाइल सेक्टर से कम से कम आपके 6 महीने के आकर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उनकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। बात करते हैं कि जॉब लोकेशन कहाँ होने वाली, कैसे आपको मिलेगी ज्वाइनिंग, कितने दिन का प्रोसेस होगा तो आपकी ज्वाइनिंग करवा दी जाती है। बाकी बात जो है कैसा काम करवाया जाएगा, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर और जेसीबी में थोड़े आपका पार्ट्स का डिफरेंट हो जाता है, तो यहाँ पे थोड़ी काम भी थोड़े हैवी देखने के लिए मिल सकते हैं। तो अभी हम वीडियो में बने रहे, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ें समझते हैं कि आखिर में इस वैकेंसी के लिए कौन सा स्टेट पार्टिकुलर जा पाएंगे इसमें, और जो अदर स्टेट के मेरे वीडियो देखते हैं और वो अपना अपना जो है जरूर अपना मेंशन करें ताकि जो है हम आपके स्टेट का जो है जल्द ही आपका कैंपस प्रोवाइड कर पाएँ। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारी प्रोसेस समझते हैं ए टू जेड। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो वैकेंसीज होने वाली है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो है यहाँ पर आप जेसीबी इंडिया कैंपस प्लेसमेंट 2023 अप्रेंटिसशिप एंड टेक्निकल ट्रेनिंग। तो यहाँ पे जो है अप्रेंटिसशिप तो उनके लिए होगी जो कि नॉन फ्रेशर कैंडिडेट है, जिन्होंने सिर्फ आईटीआई कंप्लीट करा है, ये सिर्फ आईटीआई कैंडिडेट के लिए है। बाकी बात जो है ये टेक्निकल ट्रेनिंग की भर्ती होने वाली है, इनके लिए जो है आईटीआई प्लस एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट जो है इसके लिए जा पाएंगे। बात करते हैं कंपनी का नाम, यहाँ पे जेसीबी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड देख रहे होंगे। जेसीबी इंडिया लिमिटेड लीडिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जो अर्थ मूविंग, ये आपको पता ही होगा, जेसीबी से आप लोग पर अच्छे से वाकिफ होंगे। तो चलिए हम और थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कंपनी की कुछ जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बाकी बात देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बताया था 2 पोजीशन पे आपकी जो है जॉब निकाली गई है। आप देख सकते हैं अप्रेंटिसशिप एंड टेक्निकल ट्रेनिंग, तो जितने भी साथी अप्रेंटिसशिप भी करना चाहते हैं बेहिचक कर सकते हैं इसे अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, क्योंकि अप्रेंटिसशिप करने के इसमें फ़ायदे हैं और सारे अपने अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर से अपने अपने फ़ायदे होते हैं, क्योंकि यहाँ से आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपके बारे में थोड़ी परमानेंट का खुद चांस बन जाता है यहाँ से निकलने के बाद। उसके बाद हम मैंने बताया था कि जॉब लोकेशन की जो है राजस्थान होने वाली है, तो ये भर्ती राजस्थान जॉब लोकेशन होगी। बाकी बात देखते हैं सैलरी की बात करें तो सैलरी देखिए अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट के लिए जो 12,000 पर मंथ आपको इन हैंड सैलरी प्रोवाइड करेगी। तो भाई अप्रेंटिसशिप के लिए 12,000 इन हैंड आपको सैलरी मिल रही है, अच्छी बात है कि अप्रेंटिसशिप जो गवर्नमेंट से प्रोवाइड की जाती है वो आपको 8,000 करीब आपको सैलरी मिलती है। ये आपको मिलती है गवर्नमेंट के जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर से आप अप्रेंटिसशिप करते हैं। तो बाकी बात जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं सैलरी अच्छी मिल रही है थोड़ा आपको, लेकिन हाँ सबके अलग अलग फ़ायदे हैं, सबके अपने अपने रूल है वगैरह हैं अप्रेंटिसशिप के। बाकी बात जो हम बात करते हैं कि टेक्निकल ट्रेनिंग वाली की, टेक्निकल ट्रेनिंग की बात करें तो सैलरी आपको तो अच्छी मिल जाएगी, 20,800 रुपये 830 रुपये यहाँ पे आपको सैलरी देखने के लिए मिलेगी। बाकी बात जो है आपको कट के आई थिंक 16,000 आपको सैलरी इन हैंड आपको मिल जाएगी कट के। अब इसमें कटेंगे क्या, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कटने वाले जो होंगे वो सैलरी, उसमें से आपके जो है 2,000 के करीब आपका जो है ये पीएफ में कटेंगे। बाकी बात जो है कुछ कैंटीन वगैरह में कट जाएगी आपको, कैंटीन फीस में आपको जो है आई थिंक 600 रुपया मिल या कट सकती है, अबव 600 रुपया बहुत ज़्यादा हो जाता है 600 रुपये। यहाँ पे बस वगैरह आप फैसिलिटी लेते हैं तो उनमें जो है कुछ चीज़ें कट वट के आपको सैलरी नहीं मिल जाती है, बाकी सैलरी का आपका पैसा वगैरह डबल मिल जाता है, तो नोट उसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली। बाकी बात जो अटेंडेंस अवार्ड यहाँ पर देख सकते हैं अटेंडेंस अवार्ड की बात करें तो अटेंडेंस अवार्ड होता क्या है कि अगर आप कंपनी में जो है लगातार 2 महीने तक आप बिल्कुल एब्सेंट नहीं करते हैं, 2 या 3 महीने का, बहुत कंपनी का अलग अलग रूल होते हैं, तो कई कंपनियों में अगर 3 महीने में अगर आपने 2 CL से ज़्यादा छुट्टी ले लिया है तो आपको जो है आपको सैलरी में बोनस वगैरह आपको नहीं ऐड किया जाता है। अगर बाकी रिवॉर्ड के रूप में ये तभी मिल पाएगा जब आप कंपनी में रेगुलर ड्यूटी आप अच्छे से करेंगे, रेगुलर ड्यूटी अगर आप अच्छे से करते हैं तो अगर जो है कोई भी शिफ्ट, और बहुत सारे कंपनी में शिफ्ट वाइज ड्यूटी किया जाता है, ए शिफ्ट बी शिफ्ट शिफ्ट, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको जो है अगर आप मिस कर देते हैं ड्यूटी नहीं जा पाते हैं समय के कारण, तो यहाँ पे जो है आपका अब्सेंट हो जाता है, जिसके कारण से आपको जो है ये बहुत सारे, अगर आपको बहुत एक्टिव कैंडिडेट हैं तो इनका बोनस का मतलब आप फ़ायदा उठा पाएंगे। बाकी अगर आप बोनस ऐड करके बात करें तो 21,830 रुपये आपको पर मंथ आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अगर हम टोटल की बात करें लगभग अबाउट 22,000 के करीब आपको मिल सकती है, लेकिन हाँ 22,000 उन्हीं कैंडिडेट को मिल पाएंगे प्रॉपर जो कि बहुत अच्छे से काम करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं आगे जो है क्या कौन सा स्टेट, तो बेसिकली यहाँ पर पहले बता दें कि ये जो कौन स्टेट के लिए भर्ती हूँ,
केवल राजस्थान के कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज होने वाली है। तो जितने भी अदर स्टेट के देख रहे हैं वो जो है यहाँ पे डीमोटिवेट होते हैं कि मेरे स्टेट का जो भर्ती कब आएगी ये पता नहीं चल पाती है। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि मेरे चैनल पे बहुत सारे कैंडिडेट वीडियो देखते हैं पता है उनको ये लगता है ना कि भाई आपने अप्रेंटिसशिप कर मतलब कहीं से भी आपने आईटीआई करा है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर से किया होगा या आपने अपना प्राइवेट सेक्टर से किया होगा। बहुत सारे कैंडिडेट इस चैनल पर सिर्फ वीडियो देखने के लिए आते हैं, वीडियो देखते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, लेकिन हाँ वो ये नहीं होते कि अगर उनको भर्ती चाहिए, अगर आपको हमको जो है अपने स्टेट का कैंपस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी होता है कि आपने अगर वीडियो देखा, पता चला हमने वीडियो बनाई आज कल इसकी भर्ती होने वाली है, आपको वीडियो मिला ही नहीं है तो फ़ायदा तो इसे मिलेगा ही नहीं आपको, आपकी कैंपस हर हमेशा छूटती जाएगी। तो इससे अच्छा है कि आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आपको जो है भर्ती आप अटेंड कर पाएँ सही समय पर। नहीं अटेंड कर पाने से आपको कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा ही नहीं टाइम पे मिल नहीं पाने के कारण बहुत सारे कैंडिडेट का कैंपस छूट जाता है। तो अगर आपने चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपको वाकई में आपको कैंपस प्लस में जॉब की ज़रूरत है तो, वरना आपको तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम आपका जो है 40% मार्क्स आप देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिनिमम देखिए यहाँ पर मिनिमम आपका 45% मार्क्स इन जो है यहाँ पर 10th में, और ITM आपका 60% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं ITM आपका 60% मार्क्स, उसके बाद जो है 10th में आपके जो है 45% मार्क्स एकदम अनिवार्य है। बाकी बात जो ITI की ट्रेड की बात करें तो यहाँ पर देखते हैं ITI इलेक्ट्रीशियन, फीटर, वेल्डर, मैकेनिक, टूल एंड डाया मेकर, टर्नर, डीजल मैकेनिक, रेफ्रिजरेटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटर व्हीकल मैकेनिक, उसके बाद वायरमैन, तो इतने सारे ट्रेड जो है जा पाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेड के कैंडिडेट को रखे गया है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो अप्रेंटिसशिप की जो एज थी, यहाँ पर देख सकते हैं ये अप्रेंटिसशिप की बता रहा हूँ मैं, ये अप्रेंटिसशिप की होने वाली, तो अप्रेंटिसशिप वाली जो होगी वो 20 पासिंग आउट है 2020 से लेके 23 तक, तो 2020 से लेके 2023 तक के जितने भी साथी ITI कर रहे हैं तो वो अप्रेंटिसशिप में कर सकते हैं। राजस्थान के ऑल ओवर कैंडिडेट ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को। उसके बाद जो है एज लिमिट 18 से 25 आपके जो है, अगर आपने अप्रेंटिसशिप करने हैं तो इस 18 से 25 आपका फ्रेशर, बिल्कुल फ्रेशर, आपने ITI करा है तो आप जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो टेक्निकल ट्रेनिंग होगी जिसमें जो है सैलरी अच्छी रखी गई है, वो टेक्निकल आपकी ट्रेनिंग होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये टेक्निकल ट्रेनिंग की सारी चीज़ें दिखाई गई है। तो यहाँ पर आपकी जो है मिनिमम 45% मार्क्स इन 10th में और 60% मार्क्स इन ITI में, तो ये आपका जरूर क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। बाकी बात जो है इलेक्ट्रीशियन, आप ट्रेड की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन, फीटर, वेल्डर, मैकेनिस्ट, टूल एंड डाया मेकर, टर्नर, डीजल मैकेनिक, रेफ्रिजरेटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक, मोटर व्हीकल जो है मोटर वेड मैकेनिक, उसके बाद वायरमैन, तो इतने सारे ट्रेड के जो है कैंडिडेट इसके लिए एप्लीकेबल हैं। एज लिमिट थोड़ी इसमें से एक साल कम कर दी गई है, तो यहाँ पे मे बी 18 से 24 साल के कैंडिडेट ही जा पाएंगे इसमें। 6 मंथ एक्सपीरियंस जो होने चाहिए, मैंने बोला था कि जो टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए जाएंगे उनको जो है 6 मंथ का या उससे अबव के हैं तो चलेंगे, कम से कम आपका 6 मंथ का अपर ट्रेनिंग होना चाहिए। कहीं से भी आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आप इस कंपनी के लिए यानी कि इसके लिए वैलिड होंगे। फिक्स टेन्योर 6 मंथ के लिए आपको पहले रखा जाएगा, 6 महीने आपको हो जाने के बाद इसमें भी TW12 की तरह मारुति सुजुकी में आपने अगर किया है काम, अगर कोई कैंडिडेट मारुति सुजुकी में किए हैं तो वो समझ पा रहे होंगे कि जो है उसमें आपका 7th महीने का, इसमें आपका 6 मंथ का, 6 मंथ इस तरह से आपके काम बुलाए जाते हैं। बाकी बात दोनों का सेम प्रोसेस होता हैवी वाहन, जहाँ तक बात करें देखिए JCB में थोड़े बड़े पार्ट्स यूज होते हैं तो वहाँ पे थोड़े से ना थोड़े हैवी पार्ट्स वगैरह वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो अगर आपने CNC मशीन पर वगैरह CNC मशीन पर आपने ऑपरेट किया है तो वहाँ पे जितने भी हेड वगैरह जो भी आपने बनाया होगा अपने मारुति सुजुकी में काम किया होगा तो ये सब वगैरह नॉलेज होंगे अच्छे से आपको, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको थोड़े से हैवी वर्क मिल सकते हैं थोड़े से। और बाकी बात जो लगभग सेम प्रोसेस होंगे, जिनको असेंबली शॉप में दिया जाएगा उसको असेंबली के रिगार्डिंग आपको काम करने होंगे, जिनको अदर शॉप में दिया जाएगा तो उनको उसके अकॉर्डिंग आपको काम मिल जाएगी वहाँ पे। उसके बाद जो है टेक्निकल यहाँ पर ट्रेनिंग की बात करें, यहाँ पे सारी चीज़ें हो जाएगी 6 मंथ, बाकी बात फिक्स टाइम वहाँ पे हो जाएगा। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाने, तो जो भी जितने भी सारे डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे रिज्यूम है, 10th सर्टिफिकेट है, ITI मार्कशीट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो। और जो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो भी साथी एक्सपीरियंस वाले जाएंगे ठीक है, तो एक्सपीरियंस वाले आपको जो है 10th वाले लेके जाने हैं, उसके बाद जो है ITI आपको लेके जाने हैं,
उसके बाद जो है टेंथ की, ये दोनों को सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, हम दोनों की बात कर रहे हैं, सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, ये भी है सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, ये दोनों लेके जाने हैं। उसके बाद आपने किसी भी कंपनी से, ऑटोमोबाइल सेक्टर से या कहीं से भी आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको जो है कम से कम मिनिमम 6 मंथ का है, तो उनके आप जो है कब आपने रिजाइन किया था, कब आपकी जो है उसमें टेन्योर हुई थी, कब आपकी ज्वाइनिंग लगी थी, उनके आपके पेपर हैं तो वो लेके जाएंगे। उनके अगर आईडी कार्ड के फोटो वगैरह है तो वो आप लेके जाएंगे। और उसके बाद सर्टिफिकेट तो आपको दिया होगा वहाँ से, वैसे अगर कुछ भी नहीं है तो आपके पास 6 महीने कहीं भी किए होंगे, 7 महीने, तो उनके बाद आपको सर्टिफिकेट या फिर कुछ भी आपको पेज वगैरह दिया होगा आपने इस कंपनी में काम किया, गुड बिहेवियर वगैरह ये सब करके, तो ये आपको लेके जाने हैं। बाकी बात आधार कार्ड, पैन कार्ड और बाकी बात जो है आपका जो है ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने के बाद आपका सेम जो है सिलेक्शन प्रोसेस आपका वैसे ही रखा जाएगा, रिटन टेस्ट और जो है इंटरव्यू बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं कैंपस डिटेल्स कहाँ होगी, तो 8 नवंबर 2023 को आपका कैंपस लगने वाला है, सॉरी 8 नवंबर 2023 को आपका कैंपस होने वाला है। बात करते हैं लोकेशन की, तो यहाँ पर देखते टाइम की बात करें तो 10 बजे से आपका जो है कैंपस की सारी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, गुरुकुल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जो है मंगलम सिटी जो है कालवाड़ा रोड जयपुर राजस्थान। तो जयपुर के कैंडिडेट, जयपुर के आसपास जितने भी ऑल ओवर राजस्थान के कैंडिडेट के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, आप जा सकते हैं बिल्कुल कैंपस में। और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि अगर ये वैकेंसी आपकी छूट भी जाती है तो आपको नेक्स्ट भर्ती आपको जो है आपका जो है कैंपस अटेंड कर पाएंगे कोई भी कैंपस, क्योंकि लगते रहते हैं कैंपस अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग करके, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी इस चैनल के द्वारा। तो चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे, मिलते हैं किसी नए कैंपस प्लेसमेंट के लिए साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।